ऑन द फेस ऑफ इट सेंटिमेंट्स जो हैं इस वक्त भारतीय बाजार के लिए भी कमजोर ही दिख रहे हैं, लेकिन आइए इसे अब और समझते हैं, थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं इस पर, मार्केट एक्सपर्ट से जानते हैं आज के लिए ट्रेड सेटअप स्ट्रेटजी क्या बनाई जाए। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा आप मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। ग्लोबल सेंटिमेंट्स कमजोर हैं, भारतीय बाजार के शुक्रवार के वॉलिटाइल एक्शन को भी हमने देखा था, आज के लिए स्ट्रैटेजी किस तरह की दिख रही है? पहला कारोबारी सत्र आपके हिसाब से कैसा होगा और साथ ही इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। तो मानसी देखिए, लास्ट हफ्ता तीन हफ्तों की गिरावट के बाद मार्केट ने एक रिस्पाइट देखा कि करीब 1.5% गेन के साथ बंद हुआ, बट वो लार्जली था ड्यू टू ग्लोबल मार्केट रिकवरी इन द यूएस मार्केट। और अब फिर फ्राइडे के दिन जिससे कि वहां पे सेलिंग प्रेशर रिज्यूम होते हुए दिखा है, रिएक्शन हम देख रहे हैं कि आज मार्केट में यहाँ पे प्रेशर है। अर्ली मॉर्निंग में टिक्स दिख रहे हैं कि यू नो निफ्टी करीब 200 से ज्यादा पॉइंट के नेगेटिव के साथ शुरू होगा। तो देखिए, जब तक कि वहां स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक तो ये इस तरीके की वोलेटिलिटी रहेगी ओवरनाइट। बट मुझे लगता है कि जब तक इस तरह 100 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे आप होल्ड कर रहे हैं तब तक एक पोटेंशियल रहेगा मार्केट में, एक रिस्पाइट की यू नो उम्मीद रहेगी, शायद आपको पॉजिटिव बायस का देखने को मिले। तो आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे भी 1700 के नीचे बंद होते हैं तब फिर आप 1600-1800 तक के लेवल्स के लिए भी देखेंगे कि मार्केट दोबारा से अटेम्प्ट करेगा। और साथ ही साथ क्योंकि अर्निंग सीजन की भी शुरुआत हो रही है तो ऑब्वियसली वो फैक्टर्स भी डिक्टेट करेंगे मार्केट ट्रेंड को। वहीं पे ऊपर 330 ये इंट्राडे में रेजिस्टेंस होंगे अगर मार्केट में एक अच्छी देखने को मिलती है। किंग इंडेक्स के ने तो यस फ्राइडे और यहाँ पे कुछ खास नजर नहीं आ रही है, तो जस्ट इन केस अगर आपको डिप मिलता भी है तो आपको बाइंग के बारे में ही सोचना चाहिए इन दी प्राइवेट नेम, जो पीएसयू नेम्स में भी जो टॉप परफॉर्मिंग काउंटर्स हैं लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, उनको एक्यूमुलेट करने के बच्चे। अगर इंडेक्स की बात करें तो 38,350-38,700 ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, 39,250-39,600 ये रेजिस्टेंस की तरह करेंगे फॉर द डे। तो ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स आप इंडेक्सेस पर हमें बता रहे हैं, लेकिन साथ ही फिर स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की तस्वीर आज कैसी दिखेगी? क्या खरीदारी की कॉल्स हैं इस बाजार में जहां कंसर्न्स बिल्ट हो रहे हैं, दोनों तरफ की कॉल्स आप देंगे? जी बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ देखना चाहिए, डोमेस्टिकली हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है और हमने देखा भी है पास, जस्ट यूएस मार्केट की वजह से अगर रिएक्शन आता भी है इनिशियल ट्रेड पे मार्केट में, जो आपका प्रीवियस सेशन ठीक ठाक रहा था तो वो फिर मार्केट में रिकवरी भी देखने को मिलती है। तो अभी तक जैसे मैंने बताया कि 1700-1800 की जब तक नीचे हम बंद नहीं करते तब तक मेरे हिसाब से उतना बेरिश होने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड पे पोजीशन मेंटेन करके। और ग्रैसम मुझे लगता है कि एक अच्छा कैंडिडेट है, जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है करीब 1785 तक। शॉर्ट साइड पे गुजरात गैस, क्योंकि देखिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ने यहाँ पे दोबारा सेलिंग प्रेशर रिज्यूम हो रहा है तो इसमें लगता है करीब 460 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे आप 500 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपने ट्रेडिंग पिक्स भी हमें बताने के लिए, तो एक खरीदारी की कॉल और एक बिकवाली की कॉल इस वक्त अजीत की तरफ से आते हुए। ग्रैसम में खरीदारी करके चल सकते हैं, 1785 के टारगेट्स को मानकर चले, 1638 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और एक बिकवाली की कॉल है गुजरात गैस पर, अगर बिकवाली की रणनीति बना रहे हैं 460 के टारगेट्स को मानकर चले, 500 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए, ये तो हुई बाजार के लिए आज की स्ट्रैटेजी की बात, लेकिन ये हफ्ता काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होने वाला है क्योंकि इस हफ्ते से ही रिजल्ट सीजन की शुरुआत होगी। Q2 FY 2023 के रिजल्ट सीजन की शुरुआत जो है वो आईटी सेक्टर के बड़ी दिग्गज कंपनी और साथ ही मिड कैप आईटी स्पेस की चुनिंदा कंपनियों के रिजल्ट्स के साथ होगी जो कि इस हफ्ते आना शुरू होंगे। लेकिन TCS के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद आने वाले हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं, अनुमान क्या लगाकर चलना है, आइए पूजा से समझते हैं। पूजा, नतीजों से क्या उम्मीदें लगाई जाए TCS के? जी, इस बार जो नतीजे रहेंगे उसमें फाइनेंशियल से ज़्यादा कमेंट्री काफ़ी अहम होगी। इसके अलावा कंपनी का जो यूरोप में एक्सपोजर है उसको लेकर क्या आउटलुक आ रहा है, कितना इम्पैक्ट वो देख रहे हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा देखना। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो डॉलर आय में हमारा अनुमान है कि 1% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, रुपी टर्म्स में 4% की ग्रोथ का अनुमान है, जो एबिट मार्जिन रहेंगे वो हल्की बढ़त वहाँ पर रहेगी, 23.9% के आसपास रहेंगे और मुनाफे में करीब 8.5% की ग्रोथ रहेगी। क्रॉस करेंसी रेवेन्यू हम उम्मीद करके चल रहे हैं यहाँ पर हल्की कमी आएगी 3.2% की, अगर इसके
भी नीचे जाते हैं तो फिर एक नेगेटिव रिएक्शन यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ जो है उससे डिजिटल और क्लाउड वर्टिकल से अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। आने वाले समय के लिए मार्जिन क्या कंपनी शेयर कर रही है और डील पाइपलाइन कितनी मजबूत है और क्या आउटलुक वहाँ पर कंपनी दे रही है, इन बातों पर एनालिस्ट की नज़र रहेगी। साथ ही साथ यूरोप में जो एक्सपोजर है कंपनी का करीब 30% का, कितना इम्पैक्ट वहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ करेंसी से जुड़ी चिंताएं कंपनी को झेलनी पड़ रही है, तो उसका बुक्स पर कितना असर पड़ रहा है और आगे के लिए क्या आउटलुक होता है कंपनी का, इन तमाम बातों पर हमारी नज़र रहेगी। तो TCS के जो नंबर्स रहेंगे इस बार, कॉमेंट्री क्या आती है मैनेजमेंट की तरफ से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। कमेंट्री क्या आती है ये काफ़ी ज़रूरी होगा जानना। और इनफैक्ट अगर इनके मार्जिन्स की बात करें, इसमें ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट्स के अपमूव की एक्सपेक्टेशन है। डॉलर रेवेन्यू में भी अपमूव्स के एक्सपेक्टेशंस हैं और साथ ही डोमेस्टिक रेवेन्यू की अगर बात करें वहाँ पर भी करीब 4% की बढ़त नज़र आ सकती है और मुनाफे के फ्रंट पर 8.5% की बढ़त के अनुमान है। लेकिन इन सब के बाद भी मैनेजमेंट का क्या कहना है इस पर खास नज़र रहेगी और आगे फॉरवर्ड लुकिंग कमेंट्री क्या आती है इस पर भी नज़र रहेगी। शुक्रिया पूजा TCS के अनुमान हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं खबरों वाले शेयर्स का। देखिए शुक्रवार बाज़ार बंद होने से लेकर अब तक कई सारी खबरें आती हुई दिखी, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आते हुए दिखे, जिसका रिएक्शन आज भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ, स्टॉक मूवमेंट में पड़ता हुआ दिख सकता है। सारी की सारी खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं खबरें कौन सी आज इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग मानसी, तो सबसे पहले IPO जोन पे बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया IPO, इनका तीसरा डे का जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स थे बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ऑलमोस्ट 72 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है। एंड ऑफकोर्स एक वैल्यूएशन कैचअप जो इनके लिस्टेड प्लेयर में एक स्मॉल कैप कंपनी आदित्य विजन, वहाँ पे भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल रहे थे। इन दोनों स्टॉक्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। अब खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करते हैं, तो सबसे पहले जो HUL और गोदरेज कंज्यूमर फोकस पे रहने वाले हैं। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही है कि उन्होंने सोप प्राइसेस जो है घटाया है लगभग 10 से लेकर 15% तक का रेंज में, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो है आप कह सकते हैं सॉफ्टनिंग हुई। और अब Q2 अपडेट्स में भी जो है FMCG कंपनीज ने कहा था कि जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे इन्फ्लेशन कूल ऑफ देखने मिलेगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा IDBI बैंक। यहाँ पे LIC और गवर्नमेंट जो है लगभग 60% स्टेक डाइवेस्ट करेंगे। करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करते हैं ऑलमोस्ट 45.4% और LIC होल्ड करते हैं 49%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लगभग 30% स्टेक सेल करेंगे और वही LIC भी ऑलमोस्ट 30% स्टेक की जो सेलिंग करने वाले हैं। अतुल ऑटो भी फोकस में रहेगा, हालांकि मार्केट कैप लगभग 500 करोड़ की है, लेकिन यहाँ पे विजय केडिया जी ने जो है इन्वेस्टमेंट किया तो ऑटो में और यहाँ पे कन्वर्टेबल वारंट्स के द्वारा किए गए हैं, तो लगभग 100 करोड़ का ओवरऑल जो है इन्वेस्टमेंट आया है और उसके कारण जो है जो उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ जाएगी 1.5% से ऑलमोस्ट 19.5% का, तो स्टॉक पे ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखने मिलेगा। PNC इंफ्राटेक के बारे में बात करते हैं, उनके फाइनेंशियल क्लोजर हुई है 2 हैम प्रोजेक्ट्स को लेकर। जब ये फाइनेंशियल क्लोजर होती है तो इसका मतलब है कि जो पूरी प्रोजेक्ट है उसकी सारी जो इन्वेस्टमेंट टाइमलाइन है वो कंप्लीट हो जाती है। टोटल बिड कॉस्ट लगभग 3,000 करोड़ का है। GMDC में भी मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, रूपन सिंह जो MD हैं उन्होंने कहा है कि एक मैसिव पोटेंशियल है आपके अंबाजी के रिजर्व्स में, ऑफकोर्स मेटल्स को लेके भी है और मिनरल्स को लेके भी, और आगे जाते हुए पोटेंशियल ज़्यादा दिख रही है। ग्रेविटा इंडिया में इंपॉर्टेंट बल डील हुई है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने लगभग 5.5 लाख शेयर्स जो है अक्वायर किया है। IGL भी फोकस में रहेगा क्योंकि CNG और PNG की जो प्राइसेस है दोनों में बढ़ोतरी 3 रुपये से आगे बढ़ाई दी गई है। दिल्ली NCR रीजन में ऑलमोस्ट 78.6 रुपीज़ पर KG हो जाएगी और ये प्राइस हाइक के कारण जो ग्रॉस मार्जिन है वो कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 14 रुपये प्रति यूनिट आ रहा है। और एनालिस्ट का मानना है कि जो लास्ट क्वार्टर के आंकड़े थे वो भी ऑलमोस्ट सेम थे, तो ऑलमोस्ट 14.3 रुपीज़ पर यूनिट थे, तो एक टाइप से आप कह सकते हैं फ्लैटिश मूवमेंट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने मिल सकता है। तो ये जो थे आपके स्टॉक्स थे जो आप फोकस में रहेंगे आज दिन के ट्रेड में। बिल्कुल शरद, शुक्रिया। ढेर सारी खबरें हैं जिस पर नज़र रखनी होगी और इसी से जुड़े इम्पैक्ट भी आते हुए यहाँ पर ऑफकोर्स नज़र आएंगे। और यहाँ पर देखें तो गैस स्टॉक्स पर खास नज़र रखें क्योंकि यहाँ पर खबरें अभी हैं और इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स, लेकिन कुछ और खबरें भी हैं शरद जिस पर हमें नज़र रखनी है, जैसे कि टाटा मोटर्स के JLR सेकेंड क्वार्टर सेल्स के डेटा आए हैं, मैनेजमेंट आउटलुक क्या निकल कर आया है। जी बिल्कुल, Q2 अपडेट्स जो है अभी भी जारी हैं एंड ऑफकोर्स अर्निंग सीजन भी आज किक इन हो रहा है TCS से। टाटा मोटर्स के JLR की Q2 सेल्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो दूसरे तिमाही में सेल्स में
जो एक अच्छी इंक्रीज तो ज़रूर देखने मिली है 12% का अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें। हालांकि अभी भी जो है सेमी कंडक्टर शॉर्टेजेस की जो है कमेंट्री आई है तो उतनी बुलिश नहीं आई है कि वहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने मिले हैं। ऑर्डर बुक जो है लगभग रिकॉर्ड लेवल्स पर ही है और एक डिमांड जो है अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन सप्लाई साइड में अभी भी इशू जो है थोड़ी देख रही है। लेकिन जो सेल्स की एक्सपेक्टेशन है सेकेंड हाफ जो है इस वित्त साल में जो इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगी। बजाज फिनसर्व की ऑपरेशनल अपडेट देखें तो मंथ ऑन मंथ में बजाज अलायंस की जो है जीडीपी है जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो आप कहते हैं प्रीमियम्स, तो वहाँ पे जो है लगभग 19% का ग्रोथ देखने मिला है। और अगर बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पे भी नई बिजनेस में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला है, तो आप ऑफकोर्स इसको फोकस में रखिएगा। बंधन बैंक भी फोकस में रहेगा, दूसरे तिमाही की अपडेट आई है, यहाँ पे 3% ग्रोथ जो है लोन बुक में देखने मिला है। हालांकि थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन ज़रूर हुई है लेकिन जो लोन बुक साइज़ है वो वापस मार्च 2022 के लेवल पे आ चुका है। कलेक्शन एफिशिएंसी में भी एक इम्प्रूवमेंट देखने मिली है और डिपॉजिट्स जो है लगभग 7% सिक्वेंशली भागा है। और अगर कासा डिपॉजिट्स के बारे में बात करें तो लगभग सपाट है। स्टार हेल्थ की ऑपरेशनल अपडेट में बात करें तो यहाँ पे भी ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम जो है वो 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है सितंबर क्वार्टर के लिए बढ़ा है। SH केलकर है ऑफकोर्स एक टाइप से नीच जो है मिड कैप कंपनी है, आप स्मॉल कैप भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो एरोमेटिक्स पे डील करते हैं। और यहाँ पे इनके जो आंकड़े बात करें तो एक्विजिशंस को हटा दे तो 7% का ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी लेवल्स पे देखने मिला है और ओवरऑल जो ग्रोथ है 12% का देखने मिला है। हालांकि अभी भी इनपुट कॉस्ट की जो बढ़ोतरी हुई है, इन्फ्लेशन हुई है, उस पर कंपनी को इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है। और नेट डेट जो है थोड़ी बढ़ गई है 469 करोड़ से अब 503 करोड़ की हो गई है। अब ये जो आंकड़े हम लोग ने सिक्वेंशियली लिए हैं। और आखिरी स्टॉक रहेगा स्मॉल कैप स्पेक्स में जेंसॉल इंजीनियरिंग। अगर इनकी फर्स्ट हाफ की अपडेट के बारे में बात करें तो रेवेन्यू लगभग 5.5 गुना बढ़ गई है, जो पहले 6 महीने के जो अप्रैल से लेके आप सितंबर के जो टाइम पीरियड है वहाँ पे देखें तो रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 5.5 गुना बढ़ गया है, 180 करोड़ का आ चुका है। और कंपनी का इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी है कि ये जो ग्रोथ आई है ये इस पूरे वित्त साल में जो है ये ग्रोथ जो है कंटिन्यू करने वाली है। तो स्मॉल कैप स्पेस में, मिड कैप स्पेस में और बैंकिंग स्पेस में जो है बहुत इंटरेस्टिंग Q2 अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं आज। एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग Q2 ऑपरेशनल अपडेट्स, सर शुक्रिया ये अपडेट्स हमें बताने के लिए। और ये अपडेट्स जो है इसका भी इम्पैक्ट लगातार हम देख रहे हैं, बैंक्स एंड फाइनेंस के अपडेट्स तो आ ही रहे थे लेकिन अब स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप स्पेस में कई सारी कंपनियां हैं जिसके Q2 अपडेट्स आना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि SH केलकर, स्टार हेल्थ। वहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे कई सारी कंपनियां जैसे बजाज फिनसर्व, इनके ऑपरेशनल अपडेट्स में अगर देखें तो इनके GDPI फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2022 जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं और इसी के चलते इस पर खास नज़र भी रखनी होगी। और ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल स्पेस फेस फोकस में है ही, टाटा मोटर्स के JLR Q2 सेल्स के डेटा के बाद आज स्टॉक में किस तरह का रिएक्शन आता है इस पर हमें नज़र रखनी होगी। चलिए ये सारी की सारी खबरें हैं और ये सारी खबरों का बाजार पर कैसा असर पड़ता है ये हम देखेंगे। चाहे ग्लोबल सेंटिमेंट्स कुछ भी हो, ग्लोबल सेंटिमेंट्स में कमजोरी हो उसका एक इम्पैक्ट इंडेक्स पर पड़ेगा, लेकिन खबरें देखिए हमारे पास ढेर सारी और उसका असर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर ज़रूर पड़ता हुआ दिखेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बाज़ार में आज पूरे दिन रहेगा, लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं ये जानते हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट लेकर हमारे साथ वामाक्षी जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट आज रेडार पर है। जी बिल्कुल, शुरुआत का गुड मॉर्निंग मानसी, हम एक ही ब्रोकरेज रेडार पर है हमारे और वो है टाटा मोटर्स। JP मॉर्गन की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने डाउनग्रेड कर दी है अपनी राय को टाटा मोटर्स पे। ओवरवेट की राय से उन्होंने न्यूट्रल की राय दी है, लक्ष्य रखा है 455 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक जो JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर का फ्री कैश फ्लो जनरेशन है वो अभी डीले हो चुका है। JLR के जो सेकेंड क्वार्टर के होलसेल सेल्स थे उसमें हमें एक डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई, मगर जो रिटेल सेल्स थे वो होलसेल सेल से स्लाइटली बेटर नजर आए हैं। जो जीरो नेट डेट का टारगेट था उनका FY25 का, तो अब वो भी पुश हो गया है और उनका जो नेट डेट जीरो जब होगा वो होगा FY25 के बाद, ऐसा JP मॉर्गन का मानना है। और जो दूसरे तिमाही FY23 के लिए जो फोरकास्ट है, हालांकि वो इंडिया और JLR के बिजनेस के लिए स्लाइटली इंप्रूव नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स बट उससे भी ज़्यादा नेगेटिव्स, और इसी के चलते JP मॉर्गन ने टाटा मोटर्स पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और ओवरवेट की राय से न्यूट्रल की राय दी है। तो चलिए टाटा मोटर्स जिस तरह से Q2 अपडेट अभी हमें बता रहे थे शरद, उसके ठीक बाद JP मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई है जो कि वामाक्षी हमें बता रही है, ओवरवेट की रेटिंग घटाई है और घटाकर न्यूट्रल की रेटिंग यहाँ पर दी गई है, लक्ष्य जो है 455 के, रैशनल इसके पीछे वामाक्षी ने हमें समझाया। थैंक्स वामाक्षी फॉर दैट।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आप कमोडिटी मार्केट में आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये समझते हैं। कमोडिटी बाजार पर सारी की सारी राय लेकर कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग रवि, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। शुरुआत एनर्जी पैक के साथ ही करना चाहेंगे क्योंकि कच्चे तेल की चाल में हम उबाल देख रहे हैं। पांच हफ्तों के ऊपरी स्तर पर 97-98 डॉलर अब बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली आज थोड़ा फोकस वहां पे रहेगा, बट अभी जिसे आप इंटरनेशनल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं शायद 71% के मंदी के साथ वहां पे व्यापार हो रहा है, बट मुझे लग रहा है कि ये एक बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन हो सकता है। लास्ट वीक के इतनी बड़ी रैली के बाद ये वीक में कंसोलिडेशन का माहौल रहेगा। पर्टिकुलर मैक्रो पे ज्यादा फोकस है। इस हफ्ते काफी इम्पोर्टेंट डेटा आने वाला है FOMC की मीटिंग के मिनट से। इंडिया, चाइना, USA से बड़ी इकोनॉमिक पे इन्फ्लेशन नंबर आने, तो मेरे हिसाब से मैक्रो पे ज्यादा फोकस करते हुए ट्रेड करेगा। थोड़ा पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन होगा, बट फिर भी जब तक 7520 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में क्रॉस नहीं होता डाउनसाइड, तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में स्टेबिलिटी बनी हुई है। बट यस, गैप डाउन पे बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। आई थिंक 7550 के करीब अगर मिलता है ओपन होके, वहां पे एक बार बाय का अभी भी चांस लेना है। 7470 का स्टॉप लॉस। अपर साइड मेरा मानना है क्रूड में 7750 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वही नेचुरल गैस में भी लास्ट वीक के कंसोलिडेशन के बाद ये हफ्ता पॉजिटिव रह सकता है। 565 के करीब नेचुरल गैस में भी बाय पोजीशन ले जा सकते हैं। 560 का अच्छा सपोर्ट, इसका स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है ये हफ्ते में 580 तक के लेवल दिखने चाहिए। तो क्रूड नेचुरल गैस दोनों में अभी भी ट्रैक्शन, अभी भी मोमेंटम बरकरार है क्योंकि सप्लाई के कंसर्न्स वहां पे निकल के आ रहे हैं, तो दोनों में बाइंग की पोजीशन बनानी, खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। नेचुरल गैस में तो ऑलमोस्ट 2% के डाउन ट्रेंड्स भी नजर आ रहे हैं, तो इन स्तरों से बाइंग जरूर की जानी चाहिए। वहीं डॉलर इंडेक्स में तेजी से हम देख रहे हैं कि बुलियन मार्केट में रवि एक गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है। विदेशी बाजार में सोने चांदी की चाल, घरेलू मार्केट्स में भी उठापटक इसी के चलते नजर आ रही है। आपकी राय क्या होगी? जरूर से बुलियन मार्केट में आज भी प्रेशर जारी रह सकता है। पर्टिकुलर गोल्ड सिल्वर में थोड़ा मोमेंटम है, वो वैसे भी ट्राई है। एंड लास्ट वीक में भी देखे तो इनिशियली सिल्वर में एक बड़ी रैली थी, वो भी पूरा मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते नेगेटिव टर्न हो सकता है। साथ में बात करें तो बेस मेटल्स में भी थोड़ा कंसोलिडेशन है, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। गोल्ड में भी मुझे मुनाफा वसूली का ट्रेड लग रहा है। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सिल्वर में प्रायोरिटीज है, वहां पे मुझे वीकनेस ज्यादा दिख रहे हैं। सिल्वर में बेच के चले, डाउन साइड इनिशियल जो पहला टारगेट है वो मेरा रहेगा 60,200। अगर 60,200 के नीचे गया तो 59,500 तक के टारगेट, एक्सटेंडेड टारगेट के लिए आप सिल्वर में सेल की पोजीशन बढ़ा सकते हैं। 61,400 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेड लेना है। गोल्ड में भी 50,000 के करीब प्राइसेस क्लोज हुए थे, मुझे लग रहा है 51,680 तक के लेवल दिखने चाहिए। 52,270 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड में भी बिकवाली का दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में चला रहेगा, तो गोल्ड सिल्वर दोनों में मोमेंटम नेगेटिव है। पर ये राय आपको मिलती हुई दिखी। और बेस मेटल्स की चाल पर रवि, अगर आप कोई स्ट्रेटजी बताना चाहें, कोई पर्टिकुलर मेटल अगर आप पिक करना चाहें। जरूर से मेटल में आज शंघाई कंपोजिट एक वीक की छुट्टी के बाद ओपन हुआ है, वहाँ इतनी वीकनेस नहीं जितनी हमने लास्ट वीक में मेटल्स में देखी थी, तो शायद आज मेटल्स में इतना ज्यादा करेक्टिव मूव ओपन होते हुए ना दिखे। बट मुझे लग रहा है फिर भी अगर स्टेबल ओपन हो, थोड़ा बहुत ऊपर मिले, तो आप कॉपर को बेच के चले 654 के करीब। मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी 644 तक के टारगेट अप्रोच हो सकते हैं। 658 का एक स्टॉप लॉस लगाए क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग हो रहा है और US ट्रेजरी यील्ड अभी भी अपने हाई लेवल पे है, तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स में सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रख के चलना चाहिए। स्ट्रैटेजी मेटल्स में और पर्टिकुलरली कॉपर में 644 के टारगेट्स को माने 658 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। रवि शुक्रिया ये सारी जानकारी के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो एनर्जी पैक में कच्चे तेल की चाल को देखते हुए क्रूड और साथ ही नेचुरल गैस पर गिरावट में खरीदारी के मौके बनते हुए, वहीं बुलियन मार्केट में जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे हैं, सिल्वर में बिकवाली की रणनीति, 60,200 तक के टारगेट्स नजर आएंगे। गिरावट 60,200 तक यानी कि करंट लेवल से 600 रुपये तक की गिरावट नजर आ सकती है। वहीं स्टॉप लॉस 61,400 का आपको लगाना होगा और बेस मेटल्स में भी कॉपर पर बिकवाली की राय आती हुई। आइए इस